बता दें कि मोहब्बत से मर्डर तक, प्रेमिका की हत्या कर 35 टुकड़े किए गए, 18 दिनों तक फेंकता रहा शव। आफताफ की हैवानियत ने सभी को दहला दिया है। दिल्ली के मेहरोली की ये वारदात है। अपनी ही प्रेमिका के 35 टुकड़े करने वाले आरोपी आफताफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें आधी रात को 2 बजे आसपास घर से निकलता था आफताफ और शव के टुकड़े को फेंकता था। वो जंगल में शव के टुकड़े को फेंकता था ताकि जंगली जानवर उसे खा सके। मुंबई में 2 नौजवान मिले और जल्द ही वे एक दूसरे के करीब आ गए थे। परिवार को पसंद नहीं आया तो कपल दिल्ली आ गए और वे और बता दें कि मेहरोली में एक फ्लैट लेकर रहने लगे थे दो कपल्स। इसी के बाद जो हुआ आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बता दें कि आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और दिल्ली में कई दिनों तक फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने आज उस हैवान को गिरफ्तार किया है। वही आफताब ने हत्या की साजिश कुछ इस तरह से बुनी थी कि उस तक पहुंचने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। आखिरकार 6 महीने बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। मोहब्बत से मर्डर की ये खूनी कहानी है। जहां जंगल में आधी रात को फेंकता था आफताब अपनी ही गर्लफ्रेंड के शव के टुकड़े को। आफताब की तस्वीर देखिए तो आपकी यकीन आपको नहीं होगा कि शख्स इतनी घिनौनी और क्रूर वारदात को अंजाम दे सकता है। और इसका पूरा नाम आपको बता दे, आफताब अमीन पूनावाला है। उसने शव के टुकड़े करके दिल्ली में एक नहीं कई जगहों पर फेंका। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। वही आफताब ने पुलिस को चकमा देने की काफी कोशिश की। उसे यकीन था कि पुलिस श्रद्धा के शव तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी और उसका राज हमेशा के लिए राज ही बना रहेगा। 18 मई को हुआ था झगड़ा। पुलिस ने पूरी घटना बताई तो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। 18 मई को किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो आफताब अमीन पूनावाला ने गला घोटकर अपनी ही गर्लफ्रेंड की श्रद्धा की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शरीर के 35 टुकड़े किए और उसे रखने के लिए, छिपाने के लिए एक फ्रिज भी खरीदा। और ये हैवानियत की इस कहानी को पढ़ते समय आपको नेटफ्लिक्स की कोई क्राइम सीरीज जरूर याद आ रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि अगले 18 दिनों तक आफताब आधी रात के बाद घर से निकलता था और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकता था। और बता दें कि करीब 2 किलोमीटर तक जाकर जंगल में शवों के टुकड़ों को फेंकता था जिससे जानवर उसे खा जाए। मुंबई में मुलाकात, भागकर दिल्ली आए और ये कहानी मुंबई से शुरू हुई और एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम करती थी। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और दोनों डेटिंग करने लगे और ज्यादा समय साथ बिताने लगे। और उनके रिलेशनशिप को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया था और घर वालों को बिना बताए दिल्ली भाग आए थे दोनों। और उसी के बाद हुआ ये मर्डर केस। कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला लेकिन फिर शादी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। श्रद्धा चाहती थी कि आफताब शादी करे लेकिन वो राजी नहीं था। उधर श्रद्धा ने अपने घर वालों के फोन कॉल रिसीव करने बंद कर दिए थे। और बता दें कि 4 नवंबर को उसके पिता विकास मदान अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे। जब वो फ्लैट पर आए तो वो दरवाजा बंद था। उन्होंने मेहरोली पुलिस के संपर्क किया और किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। और उनकी शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने शनिवार को पूनावाला को गिरफ्तार किया। और जांच के दौरान ये पता चला कि आफताब ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को बेरहमी से हत्या कर दी थी।